बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मोहतरम मेरे भाई बहनों और बेटियों मैं एक अहम चीज़ की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उसके लिए झलहज़ा का चाँद हो जाने के बाद बाल और नाखून न काटना मुस्तहब है और बासे सवाब है चुनाच हदीस शरीफ में है हजरत उम समा रदी अल्लाह बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने फरमाया जब माहजा का अशर शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो वह अपने बालों और दाखिलों को न काटे ये सही मुस्लिम शरीफ का मैं आपको सबक सुना रहा हूँ ये ममानातः अगर चेतन जही है यानी अगर किसी ने जुलहजा शुरू हो जाने के बाद कुर्बानी से पहले बाल या नाखून काट लिए तो इसका ये अमल ना जायज़ ये गुनाह नहीं होगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ ओला कहा जाएगा लेकिन अगर कोई उजर हो या बाल और नाखून बहुत बढ़ चुके हों तो उनके काटने में कोई हर्ज नहीं और अगर गैर ज़रूरी बाल या नाखून काटे हुए चालीस दिन पूरे हो रहे हों तो कुर्बानी से पहले ये बाल या नाखून काटना इंतहाई ज़रूरी होगा कराम ने इसमें एक हमत बयान की है कि इसकी ममानातज बैतल्ला से मुशहत के लिए है कि हाजी जब अहराम बांध लेते हैं तो अहराम बांधने के बाद हज के अयाम में बाल नाखून वगैरह काटना मना होता है लहाज़ा जो लग, लोग हज पर ना जा सकें और कुर्बानी कर रहे हों तो वह भी हुज कराम की कुछ मुशाबहत इख्तियार कर लें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी इस रहमत का कुछ हिस्सा उन्हें भी अता फरमा देंगे जो हजाज बैतुल्ल पर नाजिल होती है यानी जो रहमत बैतुल्ला के हजाज पर नाजिल होती है इस नकल करने से अल्लाह उस रहमत का कुछ हिस्सा इन्हें भी अता फरमा देंगे और इन्हीं के जिमन में क़ुरबानी न करने वाले भी अगर मुशाबात इख्तियार कर लें तो वो भी रहमत हक के हकदार बन जाएंगे अल्लाह हो हम सब को सही समझ अता फ़रमाए आमीन या रब्बल आलमी